यो गाइस, कैसे हम लोग, वेलकम बैक टू अवर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज के वाले गेम प्ले वीडियो हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, जैसे कि याद हो कि गाइस, लास्ट टाइम गाइस हम लोग गए थे नेदर फाइंड करने, सॉरी एंशिएंट एवरेस्ट फाइंड करने नेदर में, जिसको भाई हम फर्नेस में डाल के बनाते हैं नेदर स्क्रैप, और फोर नेदरराइट स्क्रैप, और गाइस फोर गोल्ड इंगट को मिला के बनता है नेदरराइट इंगट। जिससे गाइस मैंने अपनी चेस्ट प्लेट, सोर्ड और गाइस पिकैक्स को भाई नेदरराइट का कर लिया। और गाइस भाई, उस वीडियो यार भाई अब तक ज़्यादा बढ़िया नहीं बनी यार, मुझको पता है, क्यों गाइस यार आप लोग कमेंट यार इतने आ रहे थे, और भाई मैं नेदर को भाई ज़्यादा वो किए नहीं। सो गाइस के ऊपर यार मैंने सोचा यार एक और अलग से टॉपिक बनाएंगे, आई फाउंड एंशिएंट एवरेस्ट कंटेंट रख के, बट गाइस मैंने उसमें ज़्यादा वो नहीं करा नेदर में। और सो गाइस मैंने सोचा भाई अपने भाई, जैसे गाइस आप मेरे देख पा रहे हो सारे वेपन्स, और भाई इनमें यार कुछ एबिलिटी मतलब इनके एनचेंटेड है, बट भाई इनके एनचेंट करने के लिए भाई हमें चाहिए बुक्स, और बुक्स बनती हुई गाइस पेपर से, पेपर मिलता है गाइस हमें शुगर केन से। सो गाइस मैंने सोचा कि भाई मैं एक आज ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाने वाला हूँ, तो जल्दी यार मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस उसको बनाने के लिए यार कुछ नहीं यार, बस मेरे को कुछ ऑब्जर्वर्स, पिस्टन, हॉपर एंड चेस्ट चाहिए, जो कि मैं आराम से कर लूँगा। और गाइस आप यार उधर सर देख पा रहे हो यार, शुगर केन कुछ कुछ तो यार मैंने ला ला के उगा भी रखे, कुछ कुछ देखो भाई यार चेस्ट में पड़े हैं गाइस, जो अपने को गोल्डन एप्पल मिला था यार। ठीक है यार, ठीक है भाई, हमें ऑब्जर्वर बनाने के लिए कुछ भाई जो मुझे सामग्री चाहिए भाई, मैं थोड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ से गाइस के लिए भाई मेरे को बहुत से ट्री भी काटने पड़ेंगे, बट उससे पहले गाइस मैं आपको यार कुछ दिखाना चाहता हूँ। गाइस आपने नोटिस किया होगा यार मेरा घर बहुत ज़्यादा छोटा है, सो गाइस मैंने इसके अंडरग्राउंड भाई बेसमेंट बना दी है, मतलब अभी यार बनी नहीं है, और बड़ी हुई होनी है यार। ये देखो यार कितनी तगड़ी एंट्रेंस है यार, देखो गाइस ये है अपना कमरा जहाँ पे अभी कुछ गड्ढे हैं वो मैं भर दूंगा यार, उसकी टेंशन नहीं। आपने यहाँ पे देखा कि भाई मैंने यहाँ पे गाइस कुछ थोड़ा खतरनाक वाला सिस्टम बनाया है, और गाइस यहाँ पे भाई मैं विलेज के पास भाई मैं वहाँ से गया भाई पंपकिन तोड़ के लेके आया, और अपना आयरन और पंपकिन से भाई यहाँ दो दो आयरन गोलम बना दिए भाई गाइस मेरे पे। और भाई बहुत सारा भाई मैं तो इतना सारा फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा मैं इतना भाई माइनक्राफ्ट में होएगा भी नहीं यार, मतलब नहीं यार मतलब है तो बहुत सारा, बट मुझको नहीं लगा क्यों भाई यार मैं तो इतना सारा माइन कर पी गया, बहुत सारा यार। ओके वेट भाई ज़्यादा नहीं है यार, कट, येलो, इसको भाई मैं इसको यहाँ से लगाना, ये तीन, एक यहाँ लगाते हैं, ठीक है चार। ओके अब मेरे पास स्मोक स्टोन ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे भाई मैं ला के लगा दूँगा। ओके चल भाई ऊपर चल गाइस, अपनी एक्स की हेल्थ बहुत कम है। सो गाइस इसके अगले वाले वीडियो में मैं लेके आऊँगा यार अपने घर में विलेजर्स, जिनसे भाई मुझे यार ये खाना पीना और गाइस एंचमेंट की कोई कमी नहीं है यार। भाई देखो यार मेरे पे खाना नहीं है भाई, यार कोई बात नहीं। सो गाइस उसके लिए भाई मुझको बनाने होंगे ऑब्जर्वर्स, जल्दी भाई मैं ऑब्जर्वर की रेसिपी देखता हूँ। ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। पिस्टन्स, आयरन सी भी वुड आयरन, भाई भाई आयरन की बात है यार, मैं सिर्फ ढूंढ के लिया हूँ यार आयरन। गाइस मेरे घर के पास गाइस एक ही केवल यार, मैं हमेशा वहीं पे आता है यार, और वहाँ पर नहीं मतलब यार इनफाइनाइट मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पे। यहाँ के भाई सारे विलेजर्स भी मर चुके यार, मैंने बताया जैसे कि रेड हुई थी अब मैं जीत नहीं पाया, और विलेजर्स मारे गए यार मेरा गेम हार्ड मोड पे।
तेरी है यार, एक्स्ट्रा ज़्यादा डैमेज पड़ता है। हाँ ये यार मुझको तो नहीं, अब पड़ा भाई क्रिटिकल पड़ा है यार, गई गड्ढा यार मेरे वर्ल्ड में यार, इतने सारे यार गड्ढे किसने कर दिए भाई। ओके अब रुक जा, क्रिटिकल टिकी है, टिकी 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 ये। अरे तो मॉब से कुछ नहीं होता मुझे आज, बैठे भाई गंदी बात, अरे तेरी ऐसी की तैसी, तूने चाह कर देख ली भाई मेरे को कहाँ फेंक दे यार भाई। भाई तुझे भी यहीं आकर यार, मैं नोटिस किया यार क्रीपर जब यार गाइस केव में फटता है तब ज़्यादा तगड़ा वो फट नहीं पाता। और गाइस आप भी यार ऐसी कोई बात है खत्म, अब लगी भाई अपनी शायद से। गाइस मेरे पास ना एंचेंटमेंट है बैन ऑफ एर्थोपी, आई थिंक गाइस ये ना बेस्ट एंचेंटमेंट है। खाना पीना फुल रखते हैं, ओके बहुत सारा आयरन मिल गया भाई। मैंने कहा था ना भाई देखो इसके को भाई मैं इतनी बार लूट चुका तब भी भाई मेरे को इसमें आराम से भाई आयरन मिल जाना है। सुपर आयरन भाई यहाँ पे भाई अनलिमिटेड कह सकते यार, अनलिमिटेड है इतनी बड़ी केव है यार। ऑल राइट हाय ठीक है, बस कितना आयरन हुआ भाई इस, क्या है क्या है यार ये दोबारा कलेक्ट हो गई, चल खुद मैच कॉपर यार बहुत सर पड़ा यार नहीं चाहिए। ओ भाई फिर यार आयरन सही जगह आ गया भाई मैं यहाँ पे। ओके आई थिंक इतना ही आयरन यार बहुत होता, इनफाइनाइट आयरन इन दिस केव। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस जिसने यार वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो यार आप नहीं, मुझे पता मुझे पता यार आप बहुत सारे लोग सब्सक्राइब यार कर देते हो, पर जो नहीं करते यार कर दो भाई, वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर भाई, जैसे ही कम्प्लीट होंगे तो भाई मैं रेगुलर मतलब जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो भाई मैं हमेशा फेस कैम कर डालूँगा। सो यार देखो चल से करते यार, ठीक है इसको हमें यहाँ पर रखना, इसको यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः भाई 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 थोड़ा साइड माइंड कर, कोबल स्टोन की भाई कमी नहीं है भाई तुम्हारे भाई के पास बहुत सारा है, और तेरे वहाँ पे आयरन है ठीक है भाई, मैं बहुत ऊपर तक तोड़ दूँ। ये अब जल्दी भाई हम बाहर पहुंचने वाले हैं, उसमें गाइस मेरे को ओके वेट साइड में आयरन भाई मेरे को आयरन चाहिए, यहाँ पे केव है। ओके भाई यार और कितना यार ऊपर है यार, मैं इतने ऊपर तो आया भी नहीं था यार, सॉरी इतने नीचे यार मैं आया भी नहीं था जितना यार मेरे को ऊपर जाना पड़ रहा है। गाइस यार ये बे मतलब वेट वेट भूख लगती भाई,
अब थोड़े भाई अब थोर की पावर आ गई भाई हमें, ज़्यादा ऊपर नहीं भाई अब तो पहुँचने पे ही है। पहुँच गए रात हो रही है। भाई मैं कहाँ पे हूँ, हमें डेजर्ट वाली बायोम के पास में। भाई भाई गेम का यार हार्ड मोड पे चला यार ना, मजा आता है यार, देख लो बेमतलब आके मार के जा रहे हैं यार मुझको। ओके मुझे अपना घर अपना विलेज मिल चुका है। गाइस यार मेरे एक दोस्त यार पता नहीं भाई शायद भाई आप में से यार शायद कुछ सब्सक्राइबर था यार, उसने कहा था भाई एक ऑटोमेटिक आयरन फार्म बना लिया। सो गाइस भाई मैंने उसकी उस भाई मैंने कमेंट सॉरी उसका रिप्लाई नहीं दिया था, बट अब मैं दे रहा हूँ। देखो भाई हम ना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाले या बेडरॉक एडिशन शायद हो जाएगा, तो पॉकेट एडिशन वाले हैं ना, तो भाई उन पे क्या होता है कि यार वो ना अपने उसमें भाई आयरन फार्म नहीं बना सकते। वो तो गाइस जावर बेडरॉक वाले क्या करते हैं गाइस वहाँ पे ज़ॉम्बी लटका देते हैं और भाई वहाँ विलेजर, तो विलेजर डर के यार गोलम स्पॉन ऐसा कुछ होता है, बट यार अपने बेडरॉक एडिशन में यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई उसको अगर भाई उसको बनाने तो यार बनाने के लिए मैं बना दूंगा यार, पर उसके लिए ना भाई भाई मेरे को वो क्रिएटिव मोड में जाना होगा। सो गाइस यार आप लोग बताएं यार मैं उसको बनाऊं या नहीं बनाऊं, और हाँ तो भाई बताने यार यार यहाँ पे भाई यार अपने फंडेंस यार कम पड़ रहे हैं यार आजकल, थोड़ा सा भाई कॉल ले ले और जल्दी तो सारे इसमें चलते हैं। ठीक है भाई यार हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो अपना आयरन हो रहा है अपने को चाहिए। वेट यार मेरे को वुड भी चाहिए था यार, वुड लाना पड़ेगा। ओके भाई 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 ये दो यार यहाँ भिक्षक हैं, यहाँ भिक्षा मांगते मजा कर रहे हैं यार, ये यहाँ के भाई रक्षक हैं यार। भाई एक दिन भाई सो लेते हैं। ओके भाई वेट यार मेरे को वुड चाहिएगा, और भाई वुड यार मेरे जो भाई जितना वुड मेरे पास था सारा खत्म हो गया। क्रीपर है क्रीपर, मार के तो जाऊंगा मैंने कहा था भाई। भाई इसलिए भाई मुझे ग्लासेस भी चाहिए, ग्लासेस तो यार थोड़े बहुत हैं यार मेरे पे। ये यार अपना उसको भाई मैं थोड़ा चेंज ओके वेट 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 ना आयरन स्मेल्ट हुआ 28 बहुत ज़्यादा ही हो गया। ठीक है भाई मेरे को इसको प्लैंक बनाने, ठीक है ओके वेट है मेरे को रेडस्टोन चाहिए होगा, रेडस्टोन में सेल चश्मा इसको भी निकालो, इसको भी ऐसे चश्मे भी होगा पता भाई। रेड स्टोन तो गाइस मेरे को भाई मैं पहले बहुत सारा माइन कर लिया था। सो गाइस मेरे को बनाने 1 2 3 4 5 तो भाई 1 2 3 कोबल स्टोन की कमी भाई भाई कितने बनाने हैं, 5 हो गए ना भाई, 1 2 ठीक है भाई
भाई इतने सारे तो भाई मेरे बे मतलब क्या आर्मर्स ले रखे हैं यार मैंने भाई, एक दिन यार रिपेयर करके और इन्हें फिर यहीं पे यार उनका काम करते हैं। ठीक है यार भाई मेरे को चेस्ट भी चाहिए यार काफ़ी सारी, मेरे को और लाना पड़ेगा सामान। अरे अगली बार यार मैं तो कोई फार्म बनाऊंगा तो यार मैं उसके लिए तो सामान का इसमें पहले से ही इकट्ठा कर लूँगा, नहीं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है सामान। क्योंकि गाइस देखो मुझको ना ये वुड अभी इसलिए चाहिए क्योंकि देखो चेस्ट तो अपने को दो ही चाहिए, डबल चेस्ट, बट उसको लिए भाई हमें चाहिए होपर्स, और होपर बनाने के बाद चेस्ट और आयरन रखना होता है। तो भाई कितने आ गए भाई, 15 बहुत होंगे यार, ज़्यादा ही आई थिंक ज़्यादा उसको, कम से कम भाई मेरे को 5 के हिसाब से भाई मेरे को 7 लेने चाहिए भाई, मैं 8 होपर बना लूँगा, 8 वेट। अच्छा भाई मैंने सोचा यार एक तो भाई आयरन की कमी हो सकती है यार। सो गाइस यार मैं वीडियो को इस वाले पार्ट से गाइस थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस मैंने भाई यहाँ 8 ऊपर क्राफ्ट कर लिए हैं। तो भाई देखो मैं चलता हूँ पहले यहाँ पे, भाई देखो मेरे को ना अपनी वो मशीन है यहाँ बनाई, इसके लिए 1 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद भाई अपने को यहाँ पे स्टार्ट से ठीक है, मैं मेरे को यहाँ से इसको बाद में भाई हम इसे बड़े लेवल पर बनाएंगे, बट यार अभी अपने को इतना ज़रूरत नहीं है यार, क्यों बड़े लेवल बनाएंगे, छोटे लेवल भी देख ले। ओके मेरे को यहाँ से वाटर चाहिए, फिर भाई मेरे को वाटर को कुछ नहीं, ठीक है भाई मेरे को भाई बहुत सारे ही रेडस्टोन है यार उसको इकट्ठा। ठीक है फिर अपने को चाहिए कुछ पिस्टन्स, हमें ऐसे प्लेस करना है, उनको कुछ चाहिए थोड़ा सा टेम्प्ररी ब्लॉक, टेम्प्ररी मतलब लगने है भाई। ठीक है एक दो 5 ठीक है, फिर अपने को रेडी स्टोन चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगी। ओके फाइनली मशीन इज रेडी, या बस यार हमें यहाँ कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ पे ला के ये शुगर किन ला के भर देने। नो यार वेट यार गाइस थोड़ी सी मिस्टेक, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं भाई, थोड़ी सी सी है भाई, मेरे को ना ये सब ज़्यादा जो भरने होंगे गाइस यार, वो मैंने क्यों भरे वो भी बताता हूँ। देखो भाई मेरे को भाई ये सारे भाई मेरे को ऐसे नहीं करना, मतलब यार तोड़ के यहाँ से लेके जाने पड़ेगी क्योंकि यार वो तो वहाँ पे भी अपना हो रहा था। ठीक है तो भाई मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई ये खुद अपने आप टूट टूट के भाई आए और चेस्ट में कलेक्ट हो जाए, और ऐसा बनाने के लिए भाई मैं नहीं हमें एक ब्लॉक होना चाहिए, शोवल कहाँ है यार। फिर भाई इससे जो गाइस के थोड़ी देर भाई इसके आसपास खड़े रहने भाई अपने को बहुत सारा ही शुगर केन मिल जाएगा, जिससे भाई हम पेपर बना लेंगे। गलत है ओके ये भाई मैंने लगा दिए हैं, और भाई ये एक
दो, ठीक है। अब गाइस ये बिल्कुल ठीक है। अब भाई बस मेरे को कुछ नहीं करना होगा, अब ला के वाटर डाल देना। अब कुछ गाइस आप सोच रहे हो यार ये पानी इस पे आ रहा है। गाइस यहाँ पे गाइस ग्लासेस लगेंगे जो ला के लगाऊंगा। वेट यार भाई, ग्लासेस भाई मेरे पास पड़े होने चाहिए भाई, नहीं पड़े हुए तो यार अपने ग्लासेस लेने भी जाना पड़ेगा। पांच मजदार होंगे यार, निकलते हैं भाई अपनी मशीन के पास। इसने इस नेदर पोर्टल को यार मेरे को तोड़ के ना अपने घर की छत पे बनाना है, क्राउच कर लेना है। आप भी सोच रहे भाई अब हम इसे खोलेंगे कैसे, तो यार यहाँ पे एक भाई छोटा हमें ना पाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आओ और ऐसे करके अपना सारा भाई अपना सामान लेके चले जाओ, ठीक है। यहाँ गाइस आप ग्लास कोई और किसी भी रंग का ग्लास लगा सकते हो, आप कोई और ब्लॉक भी लगा सकते हो, बट यार अच्छी लुक नहीं आएगी भाई। मैंने यार लुक क्यों से लगाया भाई ये, मैंने शुगर केन नहीं लगाया भाई, अपने को भाई यहाँ पे शुगर केन लगाने। तो मैं ऑब्जर्वर पे जंप होता हूँ, एक तो ठीक है भाई, मैं फुल भाई मैं पूरे गिनती के लिए गया था। पता नहीं भाई अब फार्म कैसे चलना चाहिए भाई मेरे आए भाई। देखो मैंने तो यार अपने हिस्से तो भाई मैंने पूरा ठीक किया, अपने हिस्से मतलब यार ठीक ही है यार, मतलब ये क्लासेस की कमी, इसको भी तोड़ दो। रुको वेट, एक ब्लॉक यहाँ ब्लॉक लगा देंगे यार कोई बात नहीं, एक यहाँ एक यहाँ, ऑल राइट गाइस अपना फार्म इज रेडी। यार अभी आया नहीं होगा गाइस, मैंने गाइस आपको यहाँ ग्लासेस लगाना भाई, क्योंकि गाइस अगर इसके ऊपर अगर आप कोई ब्लॉक लगा देते तो यार वो ब्लॉक है जो भाई तुम्हें क्या चलती है के दिक्कत नहीं। सो गाइस यार वो ब्लॉक्स के थ्रू भाई फिर आप यार चेस्ट नहीं खोल पाओगे, उसके लिए गाइस फिर आपको और होपर और चेस्ट नीचे कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि सच में मटेरियल वेस्ट करने वाली बात है। तो गाइस जाओ यार एक कहीं से भी सैंड लिया यार और एक ग्लासेस बना के भाई लगा दो, ये ओनली एक ग्लास का है भाई मैंने, ठीक है। और भाई ओके इसको भाई मेरे को नेदर पोर्टल को तोड़ना है, मेरे को इसको अपने घर की छत पे बनाना है यार। भाई होता है ना अब यार अच्छी बात है नेदर पिकैक्स तोड़ूंगा भाई, जब मैं लेकर ही से आया था अब तो भाई मेरे पे डायमंड ही था यार, मैं डायमंड से लेकर आया था, कितना सारा टाइम लग गया था। टूट जा भाई डैम भाई, ऑब्सीडियन यार एक तरह से ना सर्वाइवल का भाई बेडरॉक है, मतलब सर्वाइवल में बेडरॉक है, बट नहीं यार बेडरॉक तो नहीं है क्योंकि बेडरॉक यार टूटता नहीं, ये टूट सकता है बट हाँ यार ये बहुत ज़्यादा ही टफ ब्लॉक है जो कि भैया बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलता है, क्योंकि भाई इसको तोड़ने के लिए ओनली हमें डायमंड चाहिए होता है। गाइस हम तोड़ तो भाई हाथ से भी सकते हैं, आप समझ लो हाथ से तोड़ सकते हैं मतलब पिकैक्स से, ओनली किसी पिकैक्स से तोड़ तो सकते हो बट यार वो आपको कलेक्ट नहीं है। अगर हम हाथ से तोड़ते हैं भाई कुछ 5 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं भाई इसको तोड़ने में,
बट यार उससे कलेक्ट नहीं होता, क्या फायदा यार अपना। ठीक है तो भाई अब भाई अपने पास है तो एक यहाँ एक यहाँ। आपकी बार भाई मैं इस कॉम्पिटिशन देखो ये लगाऊंगा 1 2 वेट अपने कितने लगाते 3 एंड देन ये लगता। ओके नाउ द फ्रेम इज रेडी, इसको इग्नाइट करना पड़ेगा। वेट अरे मैं इतने बढ़िया आ रहे हैं रस्ते लगा रखे हैं बढ़िया, मैं आना नहीं उल्टे सीधे रस्ते पसंद है। वेट अपना फ्लिंट एंड शील्ड खो गया यार, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा यार फ्लिंट तो पड़ा है यार फ्लिंट एंड शील्ड। अरे यार भाई इन्वेंट्री में था मैंने देखा भी। ओके सो बाय बाय फंस गए हो क्या, खुल जाए यार। आप भाई मैं तो यहाँ से मैं हटा देना है क्योंकि भाई अपने पास तो अब तो हो गया। गाइस यार आजकल वीडियो में बस इतना ही रहेगा बस, में यहाँ भाई इन शुगर किन को हटा देते हैं फिर उसके बाद गाइस अपनी वीडियो एंड करते हैं। ऑलराइट एक 55 अपने पे भाई हो तो मुश्किल है क्योंकि गाइस मैं कभी भी हो तो क्राफ्ट करता ही नहीं है कि तो भाई अपने आयरन यार कोई बात नहीं गाइस वहाँ पे यार मैंने मेरे को कुछ नहीं करना बस मेरे को वहाँ जाकर मैं थोड़े से ये उगा देना भाई अपने बीट वगैरह। सो गाइस यार आज का वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस उम्मीद है यार आपको यार वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय।